तो वीकेंड पर कसौली शिमला तो हर कोई जाता है, बट वहां पर ना आजकल भीड़ बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो जिन लोगों को यार शांति वाला इलाका पसंद है, पीसफुल प्लेस पसंद है, वो लोग मेरे साथ इस वीडियो में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि आज मैं आपको लेकर आया हूँ हाटू पीक। और अगर बात करेंगे भाई यहाँ पर अप्रैल महीने की, तो अप्रैल महीने में अभी यहाँ पर मैं हूँ 9 तारीख को, और 9 तारीख को भी यहाँ पर आप बर्फबारी देख सकते हैं। यहाँ पर इस तरफ आप मेरे पीछे देखेंगे ना, पूरा का पूरा जितना भी एरिया यहाँ पर पूरी बर्फ, मतलब पूरा स्नो एरिया बन चुका है, और भाई पूरा चिल्ड हो चुका है। और तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ इस सफर की कुछ रोमांचक बातें। पूरे हफ्ते की थकावट मिटाने और माइंड को रिलैक्स करने हम निकल पड़े अपने सफर की ओर रविवार को। तो कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद हमने सोचा यार ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, तो हम ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके एक रेस्टोरेंट में, और वहां पर हमने परोंठे खाए और आगे निकल पड़े। बीच रोड में चलते ही हमारी गाड़ी अचानक से स्लिप कर गई। जब उतर के देखा तो भाई सड़क पर बहुत ज्यादा तेल गिरा हुआ था, जिसके कारण हमारी गाड़ी स्लिप कर गई। हमें डर था कि हमारी गाड़ी का कहीं टायर पंचर तो नहीं लगा, बट ऐसा कुछ नहीं था और हमने अपने सफर को जारी किया। तो फाइनली ये कंडागाड़ की मार्केट, और कंडागाड़ से भी क्रॉस होते हुए यहाँ से निकल रहे हैं। हाँ, तो मैं आपको बता देता हूँ आप हाटू पीक कैसे पहुंच सकते हैं। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यहाँ पे जा सकते हैं, कैब से यहाँ पे जा सकते हैं, या फिर अपने पर्सनल व्हीकल से जा सकते हैं। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको शिमला पहुंचना होगा, शिमला से नारकंडा जाना होगा, और नारकंडा से 7 किलोमीटर के ट्रैक को आपको कंप्लीट करके हाटू पीक आप पहुंच सकते हो। और अगर आप अपने व्हीकल से जाना चाहते हो तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है लोकेशन का, और आप उस लोकेशन को ट्रैक करके वहां पर इजीली पहुंच सकते हो। तो चंडीगढ़ से निकले थे 6 बजे, और रास्ते में हाफ एन आवर की ब्रेक भी हुई, उसके बाद अभी 9 बजे शिमला में पहुंच चुके हैं। और यह है शिमला का नजारा। तो माल रोड वगैरह तो नहीं जा रहे हैं, बट ये रोड है, और अभी हम शिमला में है इस टाइम। और ये कुफरी, तो अभी हमने टर्न ले लिया कुफरी की तरफ से होते हुए जा रहे हैं अभी नारकंडा। हिमाचल देवभूमि में आपको बहुत ही रास्ते में ऐसे मंदिर दिखाई देंगे जो कि देखने में बहुत बढ़िया है, और इस रोड की चढ़ाई से आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि हम कितनी पीक पर जा रहे हैं, कितनी ऊंचाई पर जा रहे हैं। जैसे ही हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही हमारी चढ़ाई ऊपर की ओर बढ़ती जा रही है, और वैसे ही जो गाड़ी का जोर है वो भी लगता जा रहा है। तो ये मतियाना की मार्केट और छोटा सा विलेज। रास्ते में कोई भी गांव, कस्बा, शहर जैसे ही कोई आएगा तो वहां पर आपको इस तरह की मार्केट देखने को मिलेगी। वहां से आप कोई भी जनरल आइटम अपनी जरूरत की आप परचेज कर सकते हैं। तो ये जो आप शेल्टर देख रहे हैं ना, एक कपड़ा नेट बांधा हुआ है पेड़ों के ऊपर, ये देख रहे हैं पूरा का पूरा, ये यहाँ पे जितने भी सेबों के बाग है ना उनके ऊपर इस तरह से नेट लगा दिया जाता है। तो रास्ते में यार लोकल से बात करके पता लगता है कि वो इन पेड़ों पर ऐसे नेट क्यों लगाते हैं। उसका मेन रीजन है इन पेड़ों पर नए फूल आ जाते हैं, नए फल उगने वाले होते हैं, तो उनके ऊपर नेट लगा दिया जाता है ताकि उनको कोई भी पक्षी खराब ना करे और वो अच्छे से उनकी पैदावार हो सके। तो यहाँ से हाटू पीक लगभग 7 किलोमीटर रह गया है। तो जैसे ही आप हाटू पीक की चढ़ाई करने लगते हैं वहां पर आपको ऐसी फूड वैन देखने को मिलेगी, यहीं पर आप मेन अपना भोजन कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलकर कहीं भी आपको ऐसा मेन कोर्स भोजन नहीं मिलने वाला है। इस तरफ जाता है थनादर और ऊपर की तरफ है हाटू मंदिर, और बिल्कुल पीक पर है और अभी चढ़ाई पर जा रहे हैं। थोड़ा सा आगे चलने पर आपको दिखाई देगा हाटू पीक का यह तालाब, और आप यहां पर रुक के अपनी फोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। हमने अपनी कार हाटू माता टेम्पल से 2 किलोमीटर पीछे खड़ा दी थी, जिसका रीजन मैं आपको आगे वीडियो में देने वाला हूँ। तो अभी मैं आया हूँ चंडीगढ़ से, जहाँ का टेम्परेचर था 30 डिग्री, और मतलब लिटरली वहाँ पे गर्मी हो चुकी थी। तो अभी यहाँ पर हम जैकेट वगैरह नहीं लेके आए, मुझे इतना एहसास नहीं था कि यहाँ पर अभी भी स्नो होगी और इतना ज़्यादा ठंडा माहौल देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर ना पूरी की पूरी बर्फबारी हो चुकी है, और ना मतलब अभी भी यहाँ पर स्टिल है, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा डाउन है कि बर्फ अभी तक यहाँ पर मेल्ट नहीं हुई है। तो चलते हैं यार सीधा हाटू पीक, और वहाँ से जाकर ना आपको यहाँ की हाइट भी दिखाता हूँ, और उस तरफ आप देखो वहाँ का जो एरिया है ना, ओहो हो क्या ही बात है यार। मतलब आप पीछे के अगर पहाड़ों की बात करेंगे, पूरा का पूरा उधर बर्फ, ओहो हाथ जम गया है। तो अप्रैल के महीने में यहाँ अगर बात करेंगे विंटर्स की, तो भाई यहाँ पे आना ही पॉसिबल नहीं होगा। और बताया जाता है यहाँ पे जो ये रोड है वो भी लगभग 3 से 4 महीने के लिए बंद हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा यहाँ पे बर्फ पड़ती है। तो आप लोग सोच रहे होंगे यार कि हाटू पीक चंडीगढ़ से या शिमला से कितनी दूरी पर है। तो अगर हाटू पीक की बात करेंगे तो भाई चंडीगढ़ से 180 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ पर आने के लिए कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं आप मेरे सूखते हुए गले से और मेरी थकावट से एहसास लगा सकते हैं। और गौरव भाई के साथ आया हूँ, गौरव भाई मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं ना, तो 180 किलोमीटर चंडीगढ़ से दूर है, लगभग हमें यहाँ पर पहुँचने में 4 से 5 घंटे लग गए। और शिमला से अगर बात करेंगे तो भाई 60 से 70 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, और स्नोफॉल के कारण यहाँ पर जो नीचे देखेंगे ना रोड पूरी ख़राब हो चुकी है, और गाड़ियाँ अगर आती हैं तो आपको इधर के यहाँ की रोड की भी बात बताऊँगा कि किस तरह से यहाँ से ना गाड़ियाँ निकलती हैं और कैसा हमें यहाँ पे रोड देखने को मिला। अगर बात करेंगे यहाँ पे रोड की, जो कि नारकंडा से लगभग 7 किलोमीटर की हाइट पर पीक पर हाटू पीक पड़ता है, तो बात करेंगे अगर वहाँ की, तो यहाँ की जो रोड है सिंगल लेन रोड है और बहुत ही पतली रोड है,
बहुत ही छोटी रोड है, जो कि अगर एक गाड़ी आगे से आ जाती है तो दूसरी गाड़ी को जाने का रास्ता नहीं मिलता, आपको मजबूरन वहाँ से रिवर्स करना ही पड़ता है। और कोई अगर स्किल ड्राइवर होगा या फिर जो जो लोग जिनको ड्राइविंग अच्छी तरह आती हो वही लोग यहाँ पर अपनी गाड़ी लेकर आए। और यहाँ से देखो हाटू मंदिर 1 किलोमीटर, और हमने अभी गाड़ी अपनी 2 किलोमीटर पीछे पार्क कर दी थी और वहाँ से हम ट्रैकिंग करके आ रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे गाड़ी आ जाती है तो रिवर्स करने की भी जगह नहीं मिलती। तो मतलब लिटरली रिवर्स तो हम कर सकते हैं बट ऐसी स्पेस नहीं है कहीं पे हम जहाँ पे अपनी गाड़ी को पार्क कर सकें और दूसरी गाड़ी को निकलने की जगह दे सकें। और ये देखो यहाँ पे स्नो, ओह हाँ, पूरा चिल्ड वेदर है और पूरा इन्जॉय हो रहा है। पीछे से आप मेरी गाड़ियाँ देख रहे होंगे आ रही है, और ऊपर के एरिया में पार्किंग भी है। हमने थोड़ा ज़्यादा रिस्क लिया नहीं कि ऊपर जाके पार्किंग करेंगे, हमें थोड़ा सा पहले किसी ने गाइड कर दिया था यहाँ के लोकल लाइट ने कि आप लोग गाड़ी को यहीं पे पार्क कर दो जो कि ठीक रहेगा। तो हमने भी सोचा है ट्रैकिंग करते करते आते हैं और एक वीडियो भी शूट कर लेते हैं। तो वीडियो तो आपके लिए हाजिर है, बस आप बने रहे वीडियो में, तो दिखाता हूँ आपको हाटू पीक के नज़ारे। क्या कह रहे हो, शॉर्टकट यहाँ से लॉन्ग कट है और यहाँ से शॉर्टकट है। चलो जी, तो ये है एंट्री के लिए मेन गेट और यहीं पर पार्किंग हो जाती है गाड़ियाँ। और अभी इस गेट के आगे नो पार्किंग एरिया है और यहाँ पर सिर्फ पैदल ही जा सकते हैं। और उस तरफ का सीन देखो एक बार, ओह माय गॉड। और अभी थक गया यार लिटरली, मतलब 2 किलोमीटर भी ऐसे लग रहा था, पता नहीं यार ये कितना ज़्यादा हो गया। और अभी वो सामने है मंदिर जहाँ हमने जाना है, जहाँ पे इस इलाके में सबसे ज़्यादा हाइट पे सिर्फ यही पीक है, हाटू पीक। और यहाँ का नज़ारा देखो सामने का, वो सामने जो वाह 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 वाह। और इस तरफ यहाँ पे टेंपल है, प्राचीन मंदिर है और बहुत मान्यता है यहाँ की मंदिर की। और बहुत मुश्किलों से यहाँ तक पहुँचना पड़ता है, मतलब बड़ा टफ है क्योंकि सिंगल रोड है और छोटी रोड है, नैरो रोड है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वही मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ कि यार एक स्किल्ड ड्राइवर जो कि अच्छी गाड़ी चला सकता है वही यहाँ पर गाड़ी लेकर आएँ, क्योंकि हमने भी 2 किलोमीटर पीछे रोक दी थी, वहाँ तक तो ले आए थे बट यहाँ पे हमें गाइड कर दिया था कि नहीं यार यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है ना, तो हमने गाड़ी पीछे पार्क कर दी थी, आ भी सकते थे हाटू मंदिर। सो फाइनली यार हम पहुँच चुके हैं और यहाँ से अभी सिनेमेटिक शॉट्स लेते हैं और आपको दिखाता हूँ। वॉशरूम की फैसिलिटी भी यहाँ पे अवेलेबल है और उस तरफ को वॉशरूम है। तो वॉशरूम के बाहर तो लिखा हुआ है भाई 10 रुपये फॉर मैन, पर यहाँ पे लॉक लगा हुआ है तो इसकी वजह से खुले में शौच करना पड़ रहा है। अभी यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है एक चोटी जो कि हाटू पीक में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो 3400 मीटर की है और वहाँ से दृश्य बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला है। तो चलते हैं सीधा ऊपर। तो अगर इतनी हाइट पर ही है ना तो एक बार यहाँ पर जाना भी बनता है, एक बार ऊपर हाथ लगा के तो आ सकते हैं यार। तो चलते हैं सीधा ऊपर और ऊपर से दिखाते हैं यहाँ का व्यू। तो अभी चढ़ाई कर रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं सबसे हाईएस्ट पीक पे। आ जाओ भाजी गग्गू भाई, कम ऑन यो। देखो बर्फ है भाजी, सुटो कैमरा तो मार रही थी, मेरे तो थोड़ी मार रही थी। तो ये है मेन टेंपल की एंट्रेंस और चलते हैं अंदर। मेरे पीछे आप टेंपल देख रहे हैं ना, ये है हाटू पीक का काली माता जी का टेंपल। और यहाँ की ना मतलब एक घंटे की सेटिस्फेक्शन के लिए हमने 5 घंटे का ट्रैवल किया और यहाँ पर आके मतलब इतना सुकून मिल रहा है ना, कितनी मतलब यार हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हम किसी चीज़ के लिए इतना ज़्यादा परिश्रम करते हैं और इतनी आगे तक इतनी देर तक वेट करते हैं ना एक पल के लिए, तो भाई ये वही पल है। और जब हम किसी चीज़ के लिए इंतज़ार करते हैं ना, 5-5 घंटे हम ट्रैवल करते हैं उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर हमें जहाँ जो सुकून हम ढूंढने निकले थे वो हमें मिल जाता है, तो भाई क्या ही बात है यार। तो अभी हमें हाटू पीक पर जिसकी हाइट है 3400 मीटर सी लेवल से, और अगर हमारी हाइट की बात करेंगे हम कितनी हाइट पर हैं तो 11,100
152 फीट की अभी हाइट पर है। तो बात करेंगे यहाँ की हिस्ट्री की। हाटू माता मंदिर को लेकर बहुत ही ज्यादा मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि पांडवों के समय से ये मंदिर यहाँ पर स्थापित है और पांडव अपने अज्ञातवास के समय यहाँ पर रुके थे और उन्होंने यहाँ पर अपना जो खाना भी बनाया था। और कहा जाता है कि यहाँ पर खुदाई में कोयले भी मिलते हैं। और दूसरी मान्यता में कहा जाता है ये मंदिर का निर्माण दामोदरी ने करवाया था, जो कि रावण की पत्नी थी। ये जगह लंका से तो बेहद दूर थी, पर यहाँ पर दामोदरी भक्ति किया करती थी, माता हाटू की पूजा किया करती थी। तो कभी कभी तो कभी कौवे जा रहे हैं कुछ भी तो कभी कभी यार क्या होता है कि जिस बंदे के साथ आपकी वाइब्स मैच होती है ना, तो उसी के साथ आपका ट्रिप स्टार्ट होता है। तो आज तो यार शर्ट साथ अच्छा बनता है, तो आज तो शर्ट भी मैच है, वो पैंट भी है, शूज डिफरेंट है, हो जाता है कभी कभी। तो 2 किलोमीटर पीछे यार गाड़ी लगाई थी, तो अभी गाड़ी तक पहुंचे। यहाँ पे बहुत ज्यादा रश था जैसे आपने सुबह वीडियो में देखा था, तो अभी गाड़ी को रिवर्स करके यहाँ से निकलेंगे और देखते हैं रास्ते में कोई ऐसी गाड़ी ना मिले जहाँ से हमें रिवर्स करना पड़े या उसको रिवर्स करना पड़े, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है यार वो चीज़। तो अभी भाई की गाड़ी बैक करवाते हैं। आ जाओ आन दो ठीक है जान दो। तो अभी यहाँ से कट लेके सीधा नीचे उतर जाते हैं और निकलते हैं यार फिर यहाँ से। तो एक चीज़ हमने ना जाते हुए ये की कि हमने अपनी गाड़ी को सबसे आगे नहीं रखा, जो यहाँ पे मतलब कैब वाले हैं या जो प्रोफेशनल मतलब ड्राइवर है जो यहाँ पे रोज चलाते हैं ना HP गाड़ियाँ, तो हमने इनके पीछे गाड़ी लगा ली है यार, क्योंकि रिवर्स करना पड़ता है, 100 दिक्कतें आती हैं। तो अभी ऐसे निकलते हैं। और भाई स्नो है यहाँ पे स्टिल अभी भी, और अप्रैल के महीने में पूरा फुल पावर फन हुआ, बहुत मज़ा आया और पूरी ठंडी हवाएं चल रही थी। और क्योंकि यार पूरा का पूरा यहाँ पे जो बर्फ की चादरों में लिपटा हुआ यार ये जो एरिया है ना, और इतनी हाइट पर है, 3400 मीटर की हाइट है जो उसकी सी लेवल से, और 12,000 फीट ऊपर थे हम। काफ़ी मज़ा था, इंटरेस्टिंग था, इतने बढ़िया बढ़िया हमने शॉट लिए, फोटोज खींची, एक अपने लिए एक मेमोरी कैप्चर की, और बहुत मज़ा आया और इंटरेस्टिंग था। बस थोड़ा सा ये है कि ये जो रोड है ये थोड़ा सा खतरनाक है, तो उससे थोड़ा सा बच के, अदरवाइज नहीं तो नीचे टैक्सी भी मिल जाती है। टैक्सी भी मिल जाती है, 500-700 किलोमीटर मिला है, 500-700 रुपये लेते हैं टैक्सी वाले, वो सीजन के हिसाब से अलग अलग रेट चलते रहते हैं। 7 किलोमीटर तो आप प्रोफेशनल से भी बाय कैब करके या कुछ भी आप आ सकते हो यहाँ पे, और अपनी गाड़ी नीचे नारकंडा में ही पार कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताना। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।